हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एचसीवी चैप्टर नंबर 30, गॉस लॉ, ऑब्जेक्टिव सेकंड। ऑब्जेक्टिव सेकंड में क्वेश्चन नंबर वन देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन है मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट देखो, गॉस लॉ क्या है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इस तरह से कोई भी Q1, Q2, Q3, Q4 जो भी चार्ज है, या क्लियरली जो यहां साइड आउटसाइड कुछ भी चार्ज है, सिग्मा क्यू किस पर डिपेंड करता है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। पहली बार doesn't depend on shape and size of the surface and doesn't depend on the distribution of charge. Q1, Q2, Q3, 4 ये भी ठीक है, total charge एक ही जगह दिया हुआ है तो भी उतना ही, जिसे हमारे पास इनके सबके मिला के जो charge हो रहा है same। तो आपने clear हुआ कि total charge, देखो इसमें first option जो हमें दिया हुआ है Gauss law is only for symmetric charge distribution, no, गलत। Gauss law is valid only for charge placed in vacuum, charge placed in vacuum, no, galat. The electric field calculated by Gauss law is the field due to charge inside the Gaussian surface. देखो third में क्या लिखा, the electric field, not electric flux, जल्दबाजी नहीं करें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, electric field calculated by the Gauss law is the field due to the charge inside the, no, electric field may be discharge, may be due to discharge, all charges are included, but electric flux depends only on only charge inside the surface. So last kya diya, the flux of the electric field through a closed surface due to all the charges is equal to the flux due to the charge enclosed by the surface. So answer kya ho gaya, D right, clear? तो ये गॉस लॉ आपने समझा कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा क्यू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, डजंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस एंड डजंट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यू। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यू। आप खुद बताएंगे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज क्यू कहां पे लेके आना है, नियर टू मेटल क्यू। देखो ये मेटल क्यू, मेटल क्यू हम इसके पास लेके आ रहे हैं चार्ज क्यू, जिसकी नेचर कैसी है, प्लस क्यू। तो देखो इंड्यूस चार्ज आएगा इस ओर, कैसा आएगा, पॉजिटिव, इस ओर कैसा आएगा, नेगेटिव। दूसरा, जैसे यही चार्ज आपके पास यूं दे देता स्फेरिकल, तो आप यहां नेगेटिव लेते, तो इधर कैसा लेते, पॉजिटिव, इक्वल अपोजिट। यहां पे कॉर्नर्स हैं, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव है तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहां डेंसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम, जस्ट इसके अपोजिट कॉर्नर पर डेंसिटी किसकी चार्ज की रहेगी, पॉजिटिव। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट, इनसाइड द सरफेस चार्ज कैसा रहेगा, जीरो। तो ऑलवेज चार्ज रिसाइड ओनली ऑन ओनली आउटर सरफेस ऑफ द मेटलिक सरफेस, और यहां पे सरफेस सिमेट्रिक नहीं है, कॉर्नर्स पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो देखो इनसाइड तो हमेशा जीरो रहेगा, आउटसाइड इक्वल एंड अपोजिट है, पर डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, कॉर्नर्स पर कैसा है, ज्यादा है। तो आप आंसर समझ गए होंगे इसका। देखो हमें जो पूछा था, इसमें ऑप्शन दिया था क्यू बिकम्स नेगेटिवली रॉन्ग, द क्यू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ऑन, द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली, इंटीरियर रहता ही नहीं, डी द इंटीरियर रिमेंस चार्ज फ्री एंड सरफेस गेट नॉन यूनिफॉर्म। तो अपने पास के आंसर हो गया डी, इंटीरियर में चार्ज कैसा है, जीरो, आउटर में कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये था क्वेश्चन नंबर टू, और अभी क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमें दिया हुआ है, ये एम लार्ज कंडक्टिंग सीट, एम इज गिवन ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसको कोई यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी हुई है, और यहां पे देखो मेटलिक ब्लॉक ए
एंड मेटेलिक ब्लॉक बी। देखो जैसे ही मेटेलिक ब्लॉक रखेंगे देखो क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए। देखो ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, तो जस्ट यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव कैसा आएगा ये नेगेटिव, यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव। तो देखो जो मेटलिक प्लेट एम अट्रैक्ट से मेटलिक प्लेट एम ऑल्सो अट्रैक्ट बी, ए ऑल्सो अट्रैक्ट बी, बी ऑल्सो अट्रैक्ट ए। तो देखो यही तो ऑप्शन दिए हुए हमें, तो इट मीन्स के आंसर हुआ, देखो एम अट्रैक्ट ए राइट, एम अट्रैक्ट बी राइट, ए अट्रैक्ट बी ऑल्सो राइट एंड बी अट्रैक्ट ए। आंसर क्या लिखेंगे ऑल ए बी सी एंड डी। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, If the flux of the electric field through a closed surface is zero, अभी हम flux की बात कर रहे थे, flux sigma q upon क्या होता है epsilon naught, sigma q total charge inside the surface, इस तरह से जो भी देखो total charge यदि zero हो रहा है तो flux क्या ले सकते हैं zero, but electric field depends on the portion of charge due to this अलग अलग हो सकता है। तो देखो हमें जो options में देखना है, फर्स्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, जीरो देखो जीरो मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ये एक पॉसिबिलिटी दी है कि हमारे पास ये सरफेस है और इस पर मे बी जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जीरो, मस्ट बी जीरो नहीं मे बी जीरो, क्लियर, बी ऑप्शन पॉसिबल है। द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, चार्ज देखो चार्ज तो है, जैसे ये हमारे पास प्लस टू क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, या माइनस क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज अपने पास प्लस टू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज क्या हो गया जीरो, तो फ्लक्स क्या हो गया जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो। लास्ट ऑप्शन दिया द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो, इसके सराउंडिंग में नो, तो अपने पास इसका आंसर क्या हो गया, देख तो द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो everywhere on the surface at point B, or C the charge inside the surface must be नहीं D the charge in the okay देखो यहाँ भी देखो ध्यान दिया आपने, the charge inside the surface must be zero यहाँ zero नहीं, zero या non zero हो सकता है, the charge in the vicinity of the surface, तो अपने पास आया the electric field may be zero on the everywhere। ये था question number four, क्लियर, आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो गया आपके पास बी एंड सी। बी में तो हमें दिया था द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, सी द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, ये कंडीशन किसकी पूरी कर रहा है इसकी सिग्मा क्यू की, सिग्मा क्यू यदि नॉन जीरो है तो फ्लक्स रहेगा, हमें कहा कि फाइव जीरो तो इसमें हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू मस्ट बी कैसा जीरो, टोटल चार्ज मस्ट बी जीरो, तो इट मीन्स आंसर क्या राइट हो गया बी एंड सी। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ इस स्फीयर, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है किसी में, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ये रखा है, क्लियर, तो टोटल चार्ज कैसा हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, तो अब आप ऑप्शन पढ़िए, देखो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस इज जीरो, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस इज जीरो, क्लियर, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है, डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट रॉन्ग, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस राइट, और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन सर्कल ऑन द स्फीयर रॉन्ग, तो हमारे पास आंसर देखो क्या हो गया, द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, तो आंसर हो गया ए एंड सी। क्लियर, तो जब भी डायपोल रखेंगे तो डायपोल इट मीन सिग्मा क्यू, टोटल चार्ज सिग्मा क्यू क्या है जीरो है, तो जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास
5. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें ये सरफेस दिया हुआ है, स्फेरिकल सरफेस। यहां कोई चार्ज q रखा हुआ है। अब हमें जो पॉइंट्स दिए देखो, ए जो पॉइंट दिया आप चेक करके देखो, यहां कोई पॉइंट ए दिया है, यहां कोई पॉइंट सी दिया है, यहां कोई पॉइंट बी दिया है, यहां पे कोई पॉइंट डी दिया है। हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ध्यान देना, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस रिमेंस अनचेंज्ड। देखो कोई चार्ज यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे रखा, देखो इनसाइड एंटर हो रही लेकिन इधर सरफेस नहीं है, फ्लक्स को चेंज कर रही है। यहाँ रखेंगे कोई चार्ज, देखो सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे चेंज होगा। लेकिन जब यहां रखेंगे चार्ज को, देखो इनकमिंग आउटगोइंग, यहां रखेंगे इनकमिंग आउटगोइंग, आपको ऑफिसर इधर से जाए, देखो इनकमिंग आउटगोइंग, इस सरफेस में जितना एंटर हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। यहां से कहीं भी देखोगे जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। तो इनके पर चार्ज रख रहे हैं किस पर, पॉइंट ए एंड सी पर, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स क्या रहा है, जीरो। यही तो पूछा है, तो आंसर क्या देंगे, ए एंड सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो दिया है, यहां पे ये कंडक्टर वायर है, यहां बैटरी दी हुई है, ये स्विच दिया हुआ है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा। आपने कंडक्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देख लिया होगा, वहां मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया था। ये देखो क्या है, करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो टोटल चार्ज इनसाइड द बाउंड्री इज जीरो, बिकॉज धारावाही चालक तार विद्युत उदासीन होता है। करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो है। क्लियर? तो अब हमसे पूछ रहा है द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, तो अब आप समझ गए होंगे इंक्रीज डिक्रीज रिमेंस अनचेंज्ड रिमेंस जीरो। देखो स्विच ऑन करने से या स्विच ऑफ करने से पहले भी जीरो था, स्विच ऑन करने के बाद भी कैसा है, जीरो है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गए, दोनों आंसर हो गए रिमेंस अनचेंज्ड सी एंड रिमेंस जीरो, तो सी एंड डी, वही जीरो आ रहा है, पहले भी जीरो था और अभी भी जीरो है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें दिया हुआ है चार्ज किस प्लेस, सॉरी शोज ए क्लोज सरफेस विच इंटरैक्ट्स कंडक्टिंग स्फीयर। देखो ये चार्ज रिंग है, ये किसी कंडक्टिंग स्फीयर को ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। क्लोज सरफेस विच इंटरैक्ट्स ए कंडक्टिंग स्फीयर इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट P, द फ्लक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस। देखो ये हमें दिया कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग, ये हमें दी क्लोज सरफेस, क्लियर। और क्या कह रहा है, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, इक्वल यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज। इनसाइड द क्लोज सरफेस कैसा चार्ज है, यहाँ पे इस सरफेस के अंदर ओनली पॉजिटिव चार्ज, तो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो आंसर देंगे पॉजिटिव। देखो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और इसमें हमने डिस्कस किए ज्यादातर क्वेश्चन किसके थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ओनली टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, डजंट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डजंट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। ये दो पॉइंट आपके दिमाग में है तो आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कर पाएंगे। एंजॉय द गॉस लॉ। थैंक यू सो मच।